बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बच्चों के लिए पॉपकॉर्न तैयार करेंगे। बच्चों के फेवरेट होते हैं, बड़ों के भी फेवरेट होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। और एक कप हमने मकई ली है। आपको पता है कि ये मकई ख़ास किस्म की होती है, ये जो आम मकई होती है इसके पॉपकॉर्न नहीं बनते, ये पॉपकॉर्न वाली ख़ास मकई होती है, बड़ी हार्ड किस्म की होती है और इसकी शेप भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो आप जब ये परचेज़ करें तो आप बाज़ार से क्या है कि परचेज़ करके हमें पॉपकॉर्न वाली मकई चाहिए। तो बड़ी आसानी से पॉपकॉर्न घर में तैयार हो जाते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें हमने थोड़ा सा जो है घी शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल कर लें, घी शामिल कर लें और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घी कुछ गर्म हो चुका है, तो इसमें अब ये मकई शामिल कर देंगे और इसके साथ ही हम थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे और इनको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। आग को आपने आहिस्ता रखना है, आग को आपने तेज़ नहीं होने देना और बड़ी ही आहिस्ता आग पे आपने इनको बनाना है। अगर आप आग तेज़ होगी तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। आपने मीडियम टू लो रखना है स्टार्ट में, जब तक पॉपकॉर्न बनने स्टार्ट नहीं होते आप इनको हिलाते रहेंगे। ये देखें पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब ऊपर ढकना दे देंगे और आग को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे सारे पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट तैयार हो जाते हैं और बच्चे इतने खुश होते हैं। और एक कप से तकरीबन 8 से 10 कप जो है तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो जब भी आप ये बाज़ार से लेके आएँ तो आप कोशिश करें कि पहले इनको अच्छी तरह एक दफ़ा धूप लगवा लें। जब धूप लगवाएंगे तो आपके जो है ना पॉपकॉर्न बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मुझे इजाज़त दें अगली वीडियो तक, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।